एसेट्स को ट्रांसफर करती हूँ रियलाइजेशन में सारी लाइबिलिटीज को एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केसेस एंड एक्सेप्शनल केसेस यू आर फेमिलियर विद रियलाइजेशन अकाउंट सो कैश एंड बैंक वी नेवर ट्रांसफर बैंक का मेरे को लेजर अकाउंट बनाना है कैश बैंक में ट्रांसफर कर देंगे स्टॉक से स्टार्ट करिए टू स्टॉक अभी मैंने नीचे कुछ नहीं पढ़ा मैं सिर्फ पहला स्टेप करना शुरू करती हूँ 80,000 debtors are to be transferred with some uh, gross value, 66,000. in provision we will be transferring on the reverse side by provision. This is a rule. And that is 6,000 in this case. Loan to A. Yes, loan to A is to be transferred to A's capital account because this is a loan which firm has given to A. Done. not Then to plant and machinery, 30,000. To land and building. 33,000. Uh, Highest to furniture. 10,000. To goodwill. Goodwill also we transfer like all other assets. 15,000. To prepaid insurance. That is one of my current assets. To prepaid insurance. Advertisement suspense, we will not transfer because it is my fictitious asset. It is to be transferred to their capital account in the old ratio. We will be dividing. Now see the liabilities. Buy it, creditors. 80,000. Yes, loan by B. That is B is loan to the firm. Is se ledger account? banega? Usse pehle, bills payable? By bills payable 25,000. Right? Reserve is to be divided among the partners.

लिख दू कहता जो बाकी था वो चालीस हजार था वो थर्टी परसेंट प्रॉफिट में बिका ये सेम पॉइंट हमने किया हुआ है चालीस हजार का थर्टी परसेंट किया तो बारह हजार फिफ्टी टू थाउजेंड में बिका बाय बैंक सारे एसेट्स के नाम लिखेंगे यहां पे कॉमन बनाएंगे बैंक स्टॉक बिका फिफ्टी टू में बाद में टोटल लेके जाएंगे बाहर। ले yes, so आगे चलिए भाई लैंड एंड बिल्डिंग वन फोर्टी लैंड एंड बिल्डिंग वन लैक एंड फोर्टी थाउजेंड बैंक के नीचे आई एम राइटिंग ऑल द एसेट्स क्रेडिटर्स का देखना भाई

और uh, जो कैश में पेमेंट करी है वो आएगा एंड कैश ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम वो आएगा टू कैश टू बैंक के लिखेंगे टू कैश टू बैंक के लिखो क्योंकि बैंक अकाउंट बनाना ना ब्रैकेट में लिख दो करेक्टर्स इसने क्रेडिटर्स फोर्टी वन के क्यों लिखे है? Why he has written 41? अच्छा, half of the characters है ना, half तो अभी रहते हैं ना, half 40 रहते होंगे ना भाई? ठीक है उसका कुछ नहीं कहेगा वो देखते हैं बाकी हाफ बाद में नीचे लिखा हुआ है हाफ हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स आर पेड एट अ डिस्काउंट कितना रह गया 40? 40 में से माइनस किया छत्तीस और पांच ऊपर वाले का कैश देना छत्तीस प्लस पांच वाई राइटिंग फोर्टी वन डन मशीनरी जिसने टेक ओवर करी है उसकी कोई एंट्री नहीं होती नीचे आपने नोट भी लिख के आना है एग्जामिनर को बताने के लिए ठीक है टू बैंक यहाँ पे टू बैंक भी कॉमन ही लिख देते हैं क्रेडिटर्स की पेमेंट फोर्टी वन

एक मेरा पुराना कस्टमर था जिसका अकाउंट में पहले से बैड डेट्स की फॉर्म में लिख चुकी थी उसने मेरे को पांच सौ दिया आपको नहीं लगता आन है, ठीक है एंट्री आएगी, हम भी यहाँ पे अलग ही लिख देते हैं बाय बैंक ब्रैकेट में लिख दो डेट्स रिकवर्ड डेट्स रिकवर्ड कितना मिला पांच आगे चलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट हमने थाउजेंड पे सेटल करी

सारे एसेट्स का जोड़ लेट मी चेक फ्रॉम योर बुक हमने सारे एसेट्स उतार लिए थे कॉपी कर लिए थे सारी लाइबिलिटीज की हमने पेमेंट कर दी यस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैचिंग विद द बुक सो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन योर डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल है 399 500 399 500 ट्रांसफर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल सो दैट आंसर कम्स टू मी फिफ्टी फाइव एंड थर्टी सेवन याद रखिएगा जब कैपिटल अकाउंट बनाना है इकट्ठा है, है? Uh, ले, बना लेंगे लोन किसका था बी का बीज लोन अकाउंट पेमेंट ही होनी है ना क्या एंट्री आनी है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैंक बस खत्म लोन अकाउंट खत्म हो जाना दिस इज बीज लोन अकाउंट आई एम हियर बोलो कितना ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस डाउन क्या करूं पेमेंट कर कैपिटल को पे करने से पहले इसके लोन की रीपेमेंट करनी है क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटीज पे हो चुकी है ठीक है रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज पे कर दी है अब पार्टनर का लोन पे करना है टू बैंक फिफ्टीन थाउजेंड सो इट हैज बीन ऑटोमेटिकली क्लोज डन सो हेर आई एम प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट

बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन नाइनटी थाउजेंड एंड थर्टी थाउजेंड लोन ट्रांसफर करना मत भूलना सो लोन फर्म ने ए को दे रखा था एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू ए टू लोन टू ए दैट वाज़ हम टेन थाउजेंड और थर्टी टेन गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करो रिवैल्यूएशन सॉरी रियलाइजेशन रियलाइजेशन uh, का गेन एक का फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड था एक का थर्टी सेवन था कुछ पार्टनर करे थे में देखो बाय कैपिटल लिखा है तो की में लिख दू, 32, 000, two, ने कुछ नहीं टेक ओवर किया शायद देखो जरा तो बी है जो भी रिक्वायर्ड था ट्रांसफर्ड अब सा जी दोबारा बोलो हाँ बिल्कुल ठीक है जनरल रिजर्व भी तो है जनरल रिजर्व थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी फोर थाउजेंड का थ्री बाय फाइव निकालो हाँ फाइव सिक्स पे गया फोर एट पे देखो जरा जीरो जीरो चौबीस दो अठारह और दो बीस हजार चार सौ एक को बाय जनरल रिजर्व लेट सी फ्रॉम योर बुक बाय जनरल रिजर्व कितना 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 है है ये कैलकुलेट किया मैंने 20, and 13, एक का बैलेंस भी था भाई उसेंड तो पहले को मिलेगा सिक्सटी सिक्स हंड्रेड दूसरे को मिलेगा फोर्टी फोर हंड्रेड एक उधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था एडवर्टाइजमेंट Ad एक्सपेंडिचर था थाउजेंड एक को मिलेगा सिक्स थाउजेंड दूसरे को मिलेगा फोर थाउजेंड मतलब सफर करना पड़ेगा मेरे को लगता सारा है सारा हिसाब किताब खत्म है ठीक है साइड यही बड़ी लग रही है भाई, ये बन जाएगा छब्बीस और एक सत्ताईस, सत्ताईस और वन सेवनटीन है ना फिफ्टी फाइव फाइव हंड्रेड टोटल चेक करना जीरो जीरो फाइव बारह सोलह और एक सत्रह वन सेवन टू फाइव हंड्रेड ठीक है 172, 500 में से 32 और दो टेन फोर्टी एट माइनस करना है जीरो क्या हुआ छे, हाँ छह में से चार दो यहाँ वन ट्वेंटी फोर वन लैख ट्वेंटी फोर बैंक पार्टनर को इतना पैसा देके भेजेंगे और इतना हमारे पास होगा ठीक है अगर मैंने पार्टनर की कैपिटल में टू बैंक लिखा है तो बैंक में क्या लिखू बाकी में उतारते हैं इसमें टन आगे चलते हैं थर्टी सेवन सिक्सटी सेवन सिक्सटी चलो चेक कर लेते हैं एटी फाइव एटी फाइव में से फोर ही माइनस करना बस एटी वन बाय बीस कैपिटल दीज आर द बैलेंसिंग फिगर्स वी आर गेटिंग स्टूडेंट्स बाई बी एटी वन थाउजेंड

So, this is a way full frigid question we have solved whereby all the four ledger accounts he has asked from us to prepare. Yes, this I wanted to discuss with you. Sometimes, abhi tak question kare hain students capital ka credit balance But sometimes it may happen that the partners have withdrawn more capital than they brought in. उन्होंने पैसा ज्यादा विद्रॉ कर लिया अपनी कैपिटल का, का विद्रॉल कहते हैं तो कैपिटल है. तो है में आपको का बैलेंस मिले देखना जरा क्या लिखा उसने पार्टनर्स कैपिटल ऑफ बैलेंस इन करंट एंड एडजस्टमेंट मे रिजल्ट इन डेबिट बैलेंस इन सच अचुएशन <laughs> अभी तक जितने भी क्वेश्चन करिए फिगर आ रही थी अब होगा की जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे

मेरे को उस लाइन का कोई साथ में रिलेशन नहीं लग रहा बाकी देखते हैं प्रैक्टिकल करेंगे तो शायद माइंड में आ जाए सेकंड क्या है ठीक yes. hmm. है चलो हाँ दो बातें सुनना uh, जब इसका डेबिट बैलेंस आता है ना इधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है अब मैं लोन के साथ इसे रिलेट कर रही हूँ मीन इतना पार्टनर्स को बोला गया है कि आप लेके आओ ठीक पर उसी पार्टनर ने फर्म को लोन भी दे रखा है It means कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो पार्टनर ने भी फर्म से पैसा आपको दोनों का रिवर्स रिलेशन समझ आया? यहाँ पे हम, तो हम इसमें से पहले एडजस्ट करेंगे अगर मान लो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आती है सत्ताइस लेके आना है ना तो उस पार्टनर ने पंद्रह हजार लोन भी दे रखा है तो हम वो बोलेगा मैं बारह लेके आऊंगा पंद्रह तो मैंने आपसे लेना है यू आर गेटिंग पॉइंट सो इन दैट केस लोन हो सकता है कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो दैट वी विल सी विद ऑफ एन पहला केस उसने बोला कि सारे का सारा पैसा पार्टनर लेके आएगा अगर उसने लोन नहीं दिया सेकेंड केस में उसने बोला वो डिफरेंस लेके आएगा अगर उसने फर्म को लोन भी दे रखा है ठीक है बाकी क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा आपको पता चल गया ना एक पार्टी ने एक दूसरी पार्टी से कुछ लेना भी है और देना भी है तो so डेफिनेटली हो सकता है लोन की अमाउंट कम हो जितनी उसकी deficiency of capital आ रही है है so the, देखो जरा important है ये case. अभी आपको वो पता ही चल जाएगा जो मैंने बोला पार्टनर के लोन का कैपिटल के साथ कैसे एडजस्टमेंट करनी है यही एंट्रीज है

फर्म इसको कहती है कि पच्चीस हजार हमें दे दे। ये कहता है पचास तो मैंने आपसे लेना तो ये लेगा वापस, ये देगा नहीं फर्म को कुछ भी। he will take doing? हिम टू be वॉट ही इसने जो एंट्री करी है वो देखते हैं अमित लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हम सारे लोन की रीपेमेंट करेंगे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस डेबिट थोड़ी ना पढ़ो फिर तो कोई लेना देना ही नहीं कैपिटल तो पॉजिटिव है हम क्या करेंगे अपना लोन ले जाओ वापस बस कैपिटल के केस तो कुछ भी नहीं एडजस्ट हो ना कैपिटल हैज क्रेडिट बैलेंस क्योंकि मैं डेबिट का केस बता रही थी तो मैंने उसे डेबिट ही पढ़ लिया बट इट इज क्रेडिट बैलेंस दैट्स वाई द फुल लोन ही इज पाइंग बैक दे आर पाइंग बैक हु इज पाइंग टू होम फॉर्म इज पाइंग टू द पार्टनर सिंपल केस है ना ऐसे केसेस किए हैं ना पहले सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है जहां पे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आता था आप उसे बोलोगे अपना लोन ले जाए पचास का पचास हजार लोन हम पे कर देंगे क्योंकि हमने तो पार्टनर से कुछ भी नहीं लेना हमने उसके लोन की ही वापसी करनी है कर दी अब अगला केस है अब आपके पास फिर से लोन पचास ही है लेकिन अब कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है फोर्टी थाउजेंड मीन्स फर्म पार्टनर को कहती है चालीस हजार लेके पार्टनर कहता है मैंने आपसे पचास हजार लेना भी तो है वो चालीस चालीस हजार क्या कर लो एडजस्ट कर लो दस हजार मेरे को दे दो हो गई बात खत्म ठीक है अब हम एंट्री क्या करेंगे क्योंकि लोन पचास हजार का लोन तो पचास से डेबिट करो लोन बाय पार्टनर बाय अमित लिख लो जो कैपिटल नेगेटिव चल रही है मीन्स वो डेबिट चल रही है उसे क्रेडिट कर दो चालीस हजार से और बाकी पार्टनर को बोलो तू ले जा जितनी नेगेटिव कैपिटल है चालीस हजार बीच में से एडजस्ट कर ली बाकी दस हजार की पेमेंट कर दी यहां तक किसी को कोई डाउट एनी डाउट टू

सबसे लास्ट इन केस अ पार्टनर लोन फ्रॉम पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है और कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है तो इस तरह से एडजस्ट करना है ठीक है और अगर नेगेटिव बैलेंस नहीं है तो सिंपल लोन की उसकी रीपेमेंट कर देनी है लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है वो जाना ही कैपिटल ठीक है क्या एंट्री आएगी तब कैपिटल टू लोन गिवन टू पार्टनर

पढ़ो पड़ोचारा कुछ नया है क्वेश्चन में मिलता है आपको पूछा क्या है हम लोगों से रियलाइजेशन पूछा होगा कैपिटल अकाउंट्स पूछे होंगे लोन का अकाउंट भी होगा बैंक का अकाउंट भी होगा बिकॉज़ अगेन इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एलोकेशन सो आई हैव थ्री पार्टनर्स इन दिस केस दे आर अनिल एस शुभानू एस चंदू

अब समय को बोलने दो समय लिख दो टू कैश क्यों क्यों नहीं सारे एसेट तो ट्रांसफर करने हैं yes. कैश को क्या करते हैं yes. कैश एक्सेप्शनल है क्योंकि कैश का अलग से लेजर अकाउंट बनना है ठीक है टू कैश नहीं करना आपके कहने पे टू डेटर्स टू सिक्सटी टू और उसका प्रोविजन साथ में ही दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देना बाय प्रोविजन ट्वेल्व टू स्टॉक 78000 two furniture 10000 two computers 80000 chote mote baki mixed assets sundry assets he is calling them 170 all the assets i transferred now come to the liability it is just simple <inaudible> loan hai wo bank se liya outsider hai money loan पार्टनर से लोन होता तो उसका नाम बताता दिस इज माय आउटसाइडर लाइबिलिटी दिस आई विल ट्रांसफर सिंपल वर्ड लोन डोंट गेट कंफ्यूज इट कैन बी द बैंक लोन इट कैन बी द लोन फ्रॉम एनी आउटसाइडर डन सो दिस वी विल ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट बाय क्रेडिटर्स दैट आर 60000 बाय लोन 15000 लोन अनिल नहीं आना कैपिटल्स नहीं ट्रांसफर करते चलिए एडजस्टमेंट शुरू करते हैं अनिल टूटर अनिल ने कंप्यूटर ले लिया उसकी पे. Yes, अपने लोन की सेटलमेंट में क्या लिखे मेरे हिसाब से एंट्री नहीं आनी अनिल ने लोन भी दिया होगा ना लोन कितना है एक मिनट देखें फिर अगर मैं इसका लोन का अकाउंट बनाऊ अनिल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन वन लैख क्या दिया है इसे टू रियलाइजेशन ना है ना टू रियलाइजेशन आएगा एट्टी थाउजेंड है ना टू रियलाइजेशन देखते हैं अभी भी बीस हजार रहता है बाकी कैश में पे कर दे मेरे हिसाब से लोन अकाउंट में ये बनता है बाकी चेक करो उसने लोन का अकाउंट बनाया यही है अगर मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन लिखा है तो रियलाइजेशन में बाय अनिल्स लोन लिखना है

फर्स्ट टाइम इट है हमारे ना सीबीएस के रिटायरमेंट का क्वेश्चन आया है full -fledged. उसमें ये ही लिखा उसने रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट है बदले में इन्वेस्टमेंट देनी दोबारा बोलो नहीं दुबारा विने पिछले बैच से मैं कंफर्म करूंगी तीन चार हो सकते हैं क्योंकि सीपीटी दिया वो कई बार मेरे को पता नहीं होता आई विल आस्क ऐसे नहीं क्योंकि बच्चे ये मेरे को थोड़ा बताते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम हाँ भी कंफर्म है हाँ तो फिर पूछना यही बोलो कि कंफर्म नहीं है एक दो का मैम को पता है शायद बट नोट श्योर ठीक है यही बोलो हाँ Yes, uh, for the first time येस फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज है केस ऑफ योर retirement question which comes in to your CBSE sample paper this time उसने बोला कि रिटायरिंग पार्टनर को वैसे मैंने पेमेंट करनी होती है ना अगर मैं पेमेंट नहीं करती तो रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है लाइक गिन्नी वाला क्वेश्चन है सैंपल पेपर में आया हुआ है तो वो कहता है कि गिन्नी को बाकी पेमेंट हम बाद में करेंगे और पच्चीस हजार की इन्वेस्टमेंट देनी तो वहां पर रिटायरिंग पार्टनर को आपने इन्वेस्टमेंट दे दी

अनिल टूक ओवर फर्नीचर इज ऑफ टेन थाउजेंड अनिल कहता है मैंने आठ हजार पे फर्नीचर ले जाना है तो लिख दो फिर अनिल कैपिटल लिखनी है ना आप तो हां जी बेटे स्पीक लिसनिंग फुल सेटलमेंट लिखा है? नहीं पहले मैंने इन सेटलमेंट ऑफ इज लोन है ना हाँ उसको उस वर्ड अगर वो ज्यादा क्लैरिफाई करता तो हमें फुल सेटलमेंट बोलता इन सेटलमेंट ऑफ इज लोन है, है उसका लोन सेट कर देना इट मींस की कैश में कुछ नहीं देना फिर भी मेरी दोनों साइड मैच नहीं हो रही

जैसे हम लोग अपने पुराने एसेट को बुक वैल्यू से ज्यादा प्राइस में बेचते थे तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आता था, था ना तो ये एक तरह का गेन ही है ठीक सो so, इस गेन को ट्रांसफर करो ये गेन भी किधर जाएगा वंस अगेन बाय लोन लोन अकाउंट अकाउंट के की दो एंट्रीज करी है ना गेन बाय बायस लोन अकाउंट अच्छा भाई ये भी डिस्कस कर लिया हमने क्वेश्चन नहीं तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन ही रहनी थी अनिल्स लोन एंड इन ब्रैकेट आई विल बी राइटिंग गेन एंड दैट इज 20000 उंड एनी डाउट टू एनी वन एनी डाउट टू एनी वन चलिए आगे चलते हैं कम टू नेक्स्ट अनिल ने सारे ऐसे टेक ओवर करे हैं अनिल took ओवर फर्नीचर एट एट थाउजेंड एंड डेटर्स ऑफ रुपीज टू लैक एट वन सेवेंटी टू डेटर्स टू लैक के थे अभी सिक्सटी टू के रह जाएंगे टू लाख के डेटर्स भी अनिल लेके गया है बाय अनिल्स कैपिटल 172 में ठीक है अभी 62 के डेटर्स रह जाएंगे वो बाद में देखते हैं क्या होगा क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट क्रेडिटर्स कितने सिक्सटी के सिक्सटी उसने पे कर दिए टू अनिल्स कैपिटल जब लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा तो इधर लिखेंगे अनिल ने बहुत सारा एसेट्स टेक ओवर करे हैं और एक लाइबिलिटीज की पेमेंट भी करी है

72, पे एसेट्स लिए हैं और जो 72, था वो सेवेंटी परसेंट के पीछे था मैं उसकी पहले ग्रॉस वैल्यू इट विली की है जिसमें एट्टी थाउजेंड के, के भानु ले गया है और अगर कोई आपसे पूछे कि अभी भी एसेट आपके पास कितने के हैं 90 के हैं आई विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन इन सिक्स because all the points are complicated and interesting points.